आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प, सवाब और गज़ाइयत से भरपूर डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है ऊँट का गोश्त। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, हमारी गोश्त की जो है कढ़ाई कुदरत के इस शाहकार को खाने, खिलाने और पकाने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से, ईमान और यकीन की बेहतरीन हालत में होंगे। इजी मेक एट होम में आज मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, जिसमें घरेलू चीज़ें जो हैं वो बड़े आसान तरीके से और घरेलू अंदाज में बनाकर दिखाई जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आ रही होंगी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प, सवाब और गज़ाइयत से भरपूर डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है ऊँट का गोश्त। ऊँट का गोश्त जो है सवाब और गज़ाइयत के लिहाज से भरपूर होता है। आप कभी कभी इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। सबसे पहले हम ऊँट के गोश्त के फ़ायदे के मुतालिक बात करेंगे। ऊँट जो है ताकत के एतबार से बहुत बड़ा जानवर है, और इसकी ये क्वालिटी है, ये हर किस्म की वो घास खा लेता है कि जो दूसरे जानवर नहीं खाते, इसलिए इसके गोश्त में हर किस्म की गज़ाइत मौजूद होती है। ऊँट का गोश्त खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है, और ये गोश्त चेहरे की छाइयों को दूर करता है, मैदे के दर्द को दूर करता है, चुस्ती और कुव्वत पैदा करता है। ये गोश्त दूसरे लाल गोश्त जैसे गाय और भैंस के गोश्त की निस्बत ज़्यादा मुफीद होता है। गरम और खुश जायका और नमकीन होता है, इसलिए इसमें नमक का इस्तेमाल कम करें। दिल की नालियों की हिफाजत करता है, और यह कान में महफूज होता है। फेफड़ों को ताकत देता है, और यह कान में मुफीद होता है। नमूनिये, कंधों और जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है, और हड्डियों को मजबूत करता है, दर्द शकीका को दूर करता है। विटामिन बी, सी और आयरन खून की पैदावार को बढ़ाते हैं। आँखों की बिनाई के लिए मुफीद होता है। असाबी जिस्मानी कमज़ोरियों को ख़त्म करता है, वज़न को कम करता है। ब्लड प्रेशर वाले ज़रा इसका इस्तेमाल कम करें, और इसके कबाब और निहारी बहुत ही मज़े की बनती हैं। हर इंसान को 100 ग्राम गोश्त रोज़ाना अपनी डेली खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए, इसलिए इसका भी इस्तेमाल कभी कभी किया करें आप। ये गोश्त कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, दमे का बेहतरीन इलाज है, पुराने से पुराना बुखार इसको खाने से दूर हो जाता है, और काले हिरकान से ये निजात देता है। मैदे की तेजाबियत और जलन को दूर करता है। अगर आपका सांस रुकता हो तो इसका गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैं अपने पैन में ऑयल डालूंगी, और जब फिर ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं बाकी की चीज़ें डालूंगी। बाकी चीज़ें आप सब धो के काट के बना के रख लें। ये देखें, प्याज जो था मैंने छील के काट के रख लिया था। प्याज को बारीक कर दें, और ये देखें ये मैंने देगची में डाल दिए, और अब मैं इसके ब्राउन होने का इंतज़ार करूँगी। प्याज जितना बारीक होगा, और आप फ्राई करने से पहले बर्तन ज़रूर गर्म किया करें, इससे आपका प्याज ना सिर्फ अच्छा ब्राउन होगा बल्कि खाना भी मज़े का बनेगा। ये देखें, प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो रहा है, और देखें देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें डालें गरम मसाले। अब ये देखें, बड़ी इलायची, काली मिर्च और मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। प्याज में पहले गरम मसाला डालने से ये होता है कि इसकी खुशबू जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब देखें, ऊँट का गोश्त जो कि मैंने धो के रख लिया था, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेड होता है बाकी गोश्त की निस्बत, लेकिन गज़ाइयत से भरपूर होता है। अब ये देखें, इसको घी में डाल के अच्छी तरह से भूनें ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। हर इंसान को जो है वो ये ज़रूर खाना चाहिए। ये देखें, मैं इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का इस्तेमाल खाना में थोड़ा सा ज़्यादा किया करें, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। और ये देखें, ये टमाटर हैं जो कि मैंने एक प्लेट में रखे हैं। अब मैं इसकी प्यूरी बनाऊँगी। अब ये देखें, गोश्त जो है वो हमारा फ्राई हो रहा है तीन चीज़ों में, प्याज में, गर्म मसाले में और ऑयल में। और अब देखें, इसमें मैंने डाल दी है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल जो है वो खाना में ज़रूर किया करें। अब डाली है मैंने मिर्चें, रेड चिली। अब इसमें मैंने डाला है, अब देखें, रेड चिली डाली है, इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। और कुटी हुई मिर्चें डालने के बाद आप इसमें डालें नमक। नमक का इस्तेमाल स्पेशली आपने इसमें कम करना है। ये देखें, अब इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और अब इसमें जो मैंने टमाटरों की प्यूरी बनाई थी, इसको मैंने ग्राइंड किया था,
आप वो इसमें डाल दें। और ये देखें प्यूरी डालने के बाद इसको आप चलाएं। ये देखें इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से चला रही हूँ। ये गोश्त नमकीन होता है, ज़ायकेदार होता है, ग़िज़ाई से भरपूर होता है, इसलिए इसमें आप नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। और अब ये देखें सारी चीज़ें चलाने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से चलाएं और प्रेशर लगा दें। और अब ये देखें प्रेशर में मैंने गिराने के बाद इसको एक देगची में डाल लिया है। देगची में डालने के बाद मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी, इसका तमाम पानी खुश करके। जो ये बड़े जानवरों का गोश्त होता है ये थोड़ी देर से गलता है। ये देखें ये गोश्त का पानी सारा खुश्क हो गया और घी गोश्त ने छोड़ दिया। इसकी अच्छे तरीके से आप भुनाई करें। इसमें मैंने थोड़ा सा लीमू डाला है ताकि ये गोश्त हज़म होने में मदद दे, लीमू। और अब इसमें डाल दें हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से खाने का बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, इसका ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें। अब इसमें डालें मेन चीज़ जो है इसकी दही। दही ज़रूर खानों में इस्तेमाल किया करें, खानों की तेजाबियत को ये दूर करता है और खाने का जायका बढ़ाता है। अब ये देखें इसको अच्छी तरह से भूनते जाएं क्योंकि दही का भी पानी होता है, थोड़ा खुश्क होने में फिर टाइम लगेगा। ये देखें सारा पानी हमारा खुश्क होता जा रहा है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च डालने से क्या होता है कि रंग अच्छा आ जाता है। अब इसमें डालें गर्म मसाला लास्ट में। गर्म मसाले से खाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा शुरू में खुशबू के लिए साबित डालें और लास्ट में पिसा हुआ डालें। पिसे हुए का ये फ़ायदा होता है कि लोग उसको निकाल के फेंकते नहीं हैं और खा लेते हैं, लेकिन गरम मसालों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको फेंका ना करें, ज़रूर खाया करें आप इसको चबा कर। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी हमारी गोश्त की जो है कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़े की बनी है। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसकी कढ़ाई ज़रूर बनाएँगे और दूसरों को भी खिलाएंगे, ताकि जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते या जो पकाने की सलाहियत नहीं रखते वो भी इसको खा लें। नाज़रीन हमने ऊँट के गोश्त को पकाना सीखा और उसके फ़वाद के मतलब बात की। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इसको खाने से ना सिर्फ सफ़ा मिलता है बल्कि जिस्मानी बीमारियाँ भी दूर होती हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चाहे थोड़ा सा ही खाएँ, लेकिन खाएँ ज़रूर। अल्लाह पाक हमें कुदरत के इस शाहकार को खाने, खिलाने और पकाने की तौफीक अता फरमाए। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।